वेलकम फ्रेंड, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष दे में। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाया है और आप अपने बच्चे के आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल में खुद से आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा और कौन से साइट पे जाना होगा, ये सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, अपने मोबाइल में किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। गूगल क्रोम को ओपन कर लेने के बाद आपको सर्च बार में टाइप कर देना है UIDAI। लिख लेने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है UIDAI। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। इस वाले लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपसे आपका लैंग्वेज चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना है क्या, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, गेट आधार। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो चलिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है डाउनलोड आधार। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक बार फिर से देखने के लिए मिल जा रहा है डाउनलोड आधार। तो आपको एक बार फिर से इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, एक आधार नंबर, एक एनरोलमेंट आईडी और एक वर्चुअल आईडी। तो यहाँ पे आप तीनों आईडी से अपना आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम अगर आधार को अप्लाई किया है तो आपको सिर्फ आधार सेंटर के द्वारा एनरोलमेंट आईडी दिया जाता है, ना कि आपके पास आधार नंबर होता है और ना ही आपके पास वर्चुअल आईडी। तो यहाँ पे आप अब को करना क्या है, आधार सेंटर के द्वारा जो एनरोलमेंट आईडी दिया गया है जो कि 28 डिजिट का होता है, उस वाले एनरोलमेंट आईडी को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे पहले आपको करना क्या है, एनरोलमेंट आईडी का जो आपको ऑप्शन है उस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग पहले एनरोलमेंट आईडी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपका जो 28 डिजिट का एनरोलमेंट आईडी नंबर है उसको यहाँ पे आपको फिल करना है और उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करना है। तो चलिए हम लोग पहले फिल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना जो एनरोलमेंट आईडी नंबर है उसको फिल कर दिया और उसके बाद कैप्चा को भी केयरफुली से फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सेंड ओटीपी का जो आपको बटन दिख रहा है ये सेंड ओटीपी वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो आधार लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है। इस वाले ओटीपी को आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इंटर ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो ओटीपी है उसको फिल करते हैं। तो आपको यहाँ पे ओटीपी फिल कर देने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो आधार है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट हो गया है यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोड। तो यहाँ पे आपका जो आधार है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो अब आपको आधार को ओपन करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको जो ऊपर में थ्री डॉट देखने के लिए मिल रहा है ये थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड,
फ्रेंड्स, कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण मुझे यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड के तौर पे आपका जो नाम का फर्स्ट 4 डिजिट का लेटर है, उस वाले लेटर को आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में फिल करने होंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो ईयर है उसको फिल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे ऑप्शन था उसको फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं आपका जो आधार है वो आधार डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में जो आधार है वो डाउनलोड हो चुका है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप घर बैठे अपने बच्चों का जो आधार है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आधार है वो आधार डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है यह आधार 5 वर्ष की उम्र तक ही वैध है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में घर बैठे अपने बच्चों का आधार को डाउनलोड कर सकते हैं बिना आधार सेंटर जाए हुए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।